चलिए अब शुरू करते हैं नवा अध्याय। सर्वनाम। मधुरिमा पढ़ रही है, उसकी कल वार्षिक परीक्षा है, उसने हिंदी का कार्य कर लिया है। कुछ समय पहले यह वह बीमार थी, इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में आप देखेंगे कि मधुरिमा तो एक संज्ञा शब्द है, जबकि उसके स्थान पर उसकी, उसने, वह, उसे प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम को अब परिभाषित करते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उसके लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, इसमें मैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। कल तुम कहाँ जा रहे हो थे, इसमें तुम हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह खेल रही है, इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मैंने, हम। जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रही थी, मैंने चित्र पूरा कर लिया, हम रसगुल्ला खाएंगे। इसमें मैं, मैंने और हम, ये तीनों ही हमारे पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष वह शब्द जो कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो। क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया? आप आ गए। इनमें तुम, तुमने और आप, ये तीनों ही मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। अब आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। वह शब्द जो कि किसी और के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि वह नाच रही है, इसमें वह उत्तम अन्य पुरुष सर्वनाम है। इसी तरीके से इसमें उसने और वे भी अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। अब आते हैं दूसरे पर। ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा खिलौना है, ये मेरे दादाजी हैं, वह हमारा विद्यालय है। इसमें यह, ये और वह, ये तीनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी नहीं देते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मथुरा से कोई आ रहा है, ये किताब किसी ने दी थी, पानी में कुछ पड़ा है, इसमें हमारा कोई किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। इसमें जिसकी और उसकी, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जो और मेरा, जो और वो भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं? देखो बाहर कौन आया है? यह वस्त्र किसको दे रहे हो? इसमें क्या, कौन और किसको प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब करते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद आया था। इसमें अपने आप, स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, वह कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तीन। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। कौन सा सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में प्रयोग किया जाता है? आप। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। आप यहाँ कूड़ा करकट ना डालें। तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? वहां तालाब में कुछ मछलियां तैर रही हैं। दरवाजे पर कौन आया है? हम और आप बाजार चलेंगे। जैसा देश वैसा भेष। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखना है। पहले में हो जाएगा उन्हें, इसमें हो जाएगा तुम, इसमें हो जाएगा हम, इसमें हो जाएगा वे, इसमें हो जाएगा तुम्हारी, इसमें हो जाएगा वे। अब
आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सही है। मेज के नीचे कुछ रखा है। वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी सही है। सर्वनाम के पांच भेद होते हैं। गलत। वह सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। सही। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सही। अब आते हैं छठे पर। इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुनः लिखना है। चलिए, आज रविवार है। प्रशांत अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा है। उसके पिता घर पर अखबार पढ़ रहे हैं। उसकी बहन अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही है। उसका माली पौधों को पानी दे रहा है। उसके दादाजी धूप सेक रहे हैं। इस तरीके से आपको उचित सर्वनाम शब्द प्रयोग करके इन्हें पुनः लिखना है।